इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज सबसे पहले बेलगाम शहर में जिस तरह से धुआंधार बारिश हो रही है उस पर तस्करा। आज बेलगाम शहर में धुआंधार बारिश ने तेज रफ्तार चलने वाली रोजमर्रा की जिंदगी को गोया ब्रेक लगा दिया। वैसे देखा जाए तो कल ईद के मौके पर ही बारिश जो शुरू हुआ है मुस्तकिल जारी है, जिससे नदियां उफान पर है तो सड़कों पर पानी देखा जा रहा है। संकेश्वर बेलगाम हाईवे पर पानी की सतह बढ़ने से कुछ देर तक सवारियों की नकल हरकत को रोक दिया गया था। निचले इलाकों में पानी बढ़ता जा रहा है, जिससे आवाम का जीना दुश्वार होता जा रहा है। आने वाले दो दिन इसी तरह से बारिश होने के इम्कान का इजहार किया गया है। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर जिस कदर आज बारिश बरसी है उसका एक नजर। बारिश की खबर के बाद आज के अहम मौजू पर एक नज़र। वैसे तो कुर्बानी का अहतमाम तीन दिनों तक किया जाता है, पर कुछ जगहों पर कुर्बानी के जानवरों को जब्त करने की वारदातें भी पेश आई हैं, तो कुछ जगहों पर मुकदमे भी दायर किए गए हैं। बेलगाम शहर के करीब गोकाक, सिंगापुर और बैलोंगल में कुर्बानी के जानवर पुलिस कार्रवाई में जब्त करने से तनाव का माहौल रहा। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत करते हुए जब तक कुर्बानी के जानवर नहीं छोड़े जाएंगे दिगर कुर्बानियां भी नहीं की जाएंगी का फैसला गांव के लोगों की जानिब से लिया गया। आखिर में पुलिस की जानिब से जानवरों को छोड़ दिया गया। खैर, मूसलाधार बारिश, कोरोना गाइडलाइन की वजह से मस्जिदों में ही नमाजों को अदा किया गया। कुर्बानी की वजह से सुबह 7 बजे से ही मस्जिदों में नमाजों का अहतमाम किया गया ताकि कुर्बानी जल्द दे सके। एक और बात इस वक्त यह भी महसूस की गई कि मुसलमानों में आपसी भाईचारा, मोहब्बत, अखवत में कमी देखी गई। हर साल मोहब्बत भाईचारा घटते ही देखा जा रहा। पहले ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देखा जाता था, पर अब ऐसे मस्जिदों से या ईदगाहों से निकल जाते हैं
जैसे हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही नहीं, और यह बात इसलिए भी नहीं कि कोरोना है या और एक दूसरे को गले मिलने पर ममानियत है, लिहाजा यह कभी कोरोना से भी पहले देखी जा रही है। और तो अब कोरोना की वजह भी मिल गई, पूरे दिन भर एक दूसरे को मुबारकबाद शादमानी का माहौल देखा जाता था जो अब कहीं पर नजर नहीं आता। धीरे धीरे व्हाट्सएप, फेसबुक या मैसेज के जरिए से ही ईद की मुबारकबाद भेजी जा रही है। कुर्बानी का गोश्त भी जैसे अपने रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब अकाबरीन का हिस्सा होता है, पर इतनी बेजारी देखी जा रही है कि बारिश में कहां जाना है, गली में ही यहां वहां देकर खत्म करो कि तहजीब पनप रही है। और यही किसी कौम के जवाल का सबब भी हो सकता है, यानी आपसे मोहब्बत, भाईचारे, अखुवत का मुजारा जितना दीन इस्लाम में देखा जाता है उतना कहीं पर भी नहीं देखा जाता। लिहाजा जहां पर भी मौका मिले एक दूसरे से अलग होने के रास्ते अख्तियार करते देखे जा रहे हैं। खैर, कई फिरका परस्तों के लोग मुस्लिम मोहल्ले में घूमते देखे गए, पर यह भी हमारी बेहिसी कह सकते हैं कि दुश्मनों की साजिशों को समझने का शऊर हमारे अंदर है ही नहीं। और दूसरी तरफ महज मुखालिफत के लिए कुर्बानी की ईद में मुश्किलातें, रुकावट पैदा करने का काम फिरका परस्तों की जानिब से जानबूझकर दीगर गैर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से किया जाता रहा है, इस बार भी रहा। जितने भी ईद मनाई जाती है इसका अगर जायजा लिया जाए, या तो फिर उसका दूसरा पहलू कहिए कि माशरे को कितना बड़ा फायदा ईदों के जरिए होता है, खासकर ईद उल अधा का है। समझने की जरूरत है कि देश के मईशत में बकरीद का मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में क्या किरदार है। बकरीद यानी ईद उल अधा पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 अरब रुपए से भी ज्यादा का मवेशियों यानी कि जानवरों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपया कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं, 3 अरब रुपये से ज्यादा चारे के कारोबार वाले कमाते हैं। भारत में कारोबार की दुनिया में बहुत बड़ा कारोबार इस ईद पर होता है। नतीजा गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा बिकता है, देहातियों को जानवरों की अच्छी कीमत मिलती है, अरबों रुपये गाड़ियों में जानवर लाने ले जाने वाले कमाते हैं, उसके बाद गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। हाल यानी कि चमड़ी 100 अरब रुपये में बिकते हैं, चमड़ों की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मजीद काम मिलता है। यह सब पैसा जिसने कमाया वह अपनी जरूरतों पर खर्च करते रहे तो न जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। यह कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों की रोजगार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे तब भी गरीबों और देश को इतना फायदा नहीं होता जितना अल्लाह के इस हुक्म को मानने से एक देश को फायदा होता है। इकोनॉमिक्स की जुबान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है कि जिसका हिसाब लगाने पर अकल दंग रह जाती है। चाइनीज मालों को खरीद कर दिल बहलाने वाले कथित देशभक्तों को महज मुसलमानों की ईद है इसलिए से नफरत कर किसी तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहते। कभी कभी यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर वाकई जिस तरह से मुखालफत की जा रही है महज इसके पीछे तो सियासी मुफात है ही। अगर कुर्बानी के लिए है मैं छोटे जानवर ही काटने का फैसला लिया जाए तो उन गरीबों किसानों का क्या होगा जिन्हें उन बड़े जानवरों की देखभाल करना मुमकिन नहीं है। खैर, जितनी तवज्जो कुर्बानी के जानवरों पर लगाते हैं उतना अगर दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों पर लगाए तो बेहतर होता। भारत की सबसे 3 बड़ी कंपनियां जिसका नाम भी अरबी नहज पर रख कर अरबों खरबों कमा रहे, अल कबीर का मालिक अग्रवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट के मालिक सुनील कपूर, MKR फ्रोजन एक्सपोर्ट्स के मालिक मदनलाल अबॉट और PML एक्सपोर्ट का मालिक AS बिंद्रा, मतलब बेचारा मुसलमान 1 किलो खरीद कर बदनाम है और लाखों क्विंटल बेचकर भी बने हैं राष्ट्रवादी और देशभक्त। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यही इस मुल्क की सच्चाई बनी हुई है। क्या अब गांधी के देश में गोडसे की जय जयकार हो रही है, इसके बावजूद वह देशभक्त बने सीना तान के कानूनों को पैरों तले रौंद कर चले जाते हैं, संविधान को संसद के सामने चलाकर भी इन पर देशद्रोह की दफाई नहीं लगाई जाती क्योंकि वो मुसलमान या दलित नहीं है। और महज मुसलमान होने पर हामिद अंसारी से लेकर APJ अब्दुल कलाम और टीपू सुल्तान आमिर खान को तक महज मुसलमान होने की बुनियाद पर बख्शा नहीं जाता। अगर वो अखलाक जुनैद अफराजुल पहलू को मार देते हैं, इनका इस्तकबाल फूल मालाएं पहनाकर होता है और अदालत से रिहाई भी होती है। पहलू खान को मारने वाला बीमारी की वजह से जेल में भी मर जाता है तो इसे तिरंगे में लपेटा जाता है। और अगर कोई ईद के मौके पर बैल भैंस भी काट दे तो मुकदमे दायर किए जाते हैं। लिहाजा ईद उल अजहा का क्या किरदार मुल्क की मईशत में है समझने की जरूरत है। महज मुखालिफत करने के बहाने मुखालिफत करना इसे अंधभक्ति ही कह सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।